तो साईं को आज से आप 50 साल पहले देखिए, साईं का आपको देश भर में कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। एक ले देकर के शिरडी में मंदिर था, लेकिन आज ही उस साईं का मंदिर देखिए, आपको हर 10 किलोमीटर पर एक साईं का मंदिर मिल जाएगा। उसी साईं की साईं सत चरित्र नाम की एक पुस्तक, एक बायोग्राफी जो साईं बाबा की प्रकाशित होती है शिरडी साईं ट्रस्ट से, उसमें लिखा है कि साईं एक चांद मियां नाम के व्यक्ति हैं। वो मस्जिद में रहते हैं, वो हुक्का भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, नाना प्रकार के नशे भी करते हैं। अब आप बताइए, यदि कोई दुष्चरित्र है तो तुम क्यों उसको सच्चरित्र बना करके प्रस्तुत कर रहे हो? जिसने मुखबरी करी भारत का जो शत्रु है उसको तुमने भगवान बना करके प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए दादू ने कहा, दादू दुनिया बाबरी कबरे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। साई की कब्र के अंदर जो उसकी डेड बॉडी है उसको कीड़े खा चुके हैं, अब उनसे पूत मांग रहे हैं। तो ये बात है कि एक व्यक्ति जो सनातन का शत्रु था उसकी कब्र बना करके तुमने मंदिर में पूजना क्यों प्रारंभ कर दिया? कोई मंदिर नहीं है जहां पर किसी व्यक्ति की कब्र को पूजा जाता हो, ये फैक्ट है। कहीं वेद शास्त्रों में, कहीं दर्शनों में, कहीं उपनिषदों में कोई प्रमाण तो दिखाओ कि कहां पर मंदिरों में कब्र को पूजने का प्रावधान है। कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। और ये तो साईं का उदाहरण है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, जयकुतिया महारानी माँ का मंदिर है, वहां लोग पूज रहे हैं। आप राजस्थान में जाइए, बुलट माता का मंदिर है, वहां लोग बुलट को पूज रहे हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है?